थे, मिस्टर ऐश ने क्या कम्युनिकेट किया, उन सभी को आ रही थी। तो चलिए सीधा बढ़ते हैं अपडेट्स की तरफ। आप जुड़ चुके हैं, आपका काफी कीमती समय है, हम उसको बर्बाद नहीं करेंगे, हम उसको यूटिलाइज करेंगे और जितना ज्यादा उसको यूटिलाइज कर सके हम चाहेंगे। हम तक वो सारी एक्साइटमेंट थोड़ा सा ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे आसान भाषा में, उस भाषा में जिस भाषा में हम सहजता महसूस करें। तो आज 360 का वेबिनार तय टाइम पर अपना 3:30 पे वो शुरू हुआ था और शुरुआत में वहाँ पे काफ़ी मतलब इंडियंस की जो है वो एक्साइटमेंट देखने के लिए मिली। उन लोगों को बैक ऑफिस से जो है इवेंट का लिंक मिल गया था और उन्होंने आसान रास्ता खोज दिया है। जो लोग स्मार्ट है, जुड़े हैं, एंगेज हैं, जिनको पता है, और वो उस जो इनविटेशन से थे वहाँ पे जुड़ रहे थे और वहाँ पे काफ़ी सारे मतलब नीरज सर को भी बुलाया गया, नीरज हमारे मिस्टर नीरज दलवी को उनको बुलाया गया कि आप हिंदी में इनको एक बार बताइए कि यहाँ पर ACC का ये शो है, मिस्टर आई और तीन लोग ही वहाँ पे जो है एज ए स्पीकर रहेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इवेंट आईडी शेयर कर दी थी तो सब लोग जुड़ गए थे। तो देखिए इवेंट आईडी से आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप कभी भी इवेंट आईडी से जुड़ेंगे तो आज आप एज ए स्पीकर जुड़ने वाले हैं। ये अपने आप में इवेंट आईडी का अपना एक अलग ही चार्म है। तो ये चीजें वहाँ पे घटित हो रही थी और उस दौरान फिर हमारे CEO हमारा जो है वो वहाँ पे ज्वाइन किए, ठीक है, और अपने चीर परिचित अंदाज में उन्होंने थोड़ा बहुत वहाँ पर हंसी मजाक भी किया जो हमारे पैनल में तीनों जो बैठे थे हमारे। और उसके बाद जॉली मूड में उन्होंने शुरू किया, उन्होंने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि मैं आप सभी के साथ अपडेट शेयर कर रहा हूँ, ये शेयर कर रहा हूँ, जैसे हम नॉर्मली कैजुअली कहीं पे आते हैं, ठीक है। बिसाइड्स वो एक मीटिंग फिनिश करके आ रहे थे और उस मीटिंग के सक्सेस की खुशबू, मतलब सक्सेस की महक थी जो मतलब उनके चेहरे पे साफ झलक रही थी, ठीक है, वो उनके चेहरे पे साफ झलक रहा था, जैसे एक सुख शांति हम सभी को मिलने वाली है ना, जब हमारे वॉलेट्स में जो एप्पल्स पड़े हैं वो हमारे बैंक में आने शुरू हो जाएंगे, वो निरंतर आना शुरू हो जाएंगे, महीने के, हफ्ते के, 15 दिन के हमारे पास आने शुरू हो जाएंगे। तो जो सुकून हम लोगों के चेहरे पे दिखने वाला है ना, ठीक है ना, वो उनके चेहरे पे दिख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑलरेडी मतलब वो सब कुछ कर चुके हैं, जैसे एक एक काम किला फतेह कर चुके होते हैं ना, उस तरह की एक एक मुस्कान थी। तो राजा जो होता है ना उसका मनोबल दर्शाता है कि उसकी प्रजा जो है वो किस तरह से उन चीजों को अडॉप्ट कर रही है। तो वो बहुत अच्छा लग रहा था उनको देखकर, क्योंकि हर एक बात में उनके एक अलग सा कॉन्फिडेंस था, एक अलग सा मतलब बात करने का उनका अंदाज था, जो एक कॉन्फिडेंस वॉइस झलकती है। जैसे शायद अभी आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि मेरे अंदर भी जो है जब मैं उन पलों को याद करता हूँ तो गूज़बम्प्स से होते हैं, क्योंकि लाइव वो सब चीजें चल रही थी और अनएक्सपेक्टेड होता है जब मिस्टर ऐश आप सभी के बीच होते हैं, वो आपको कभी सहज नहीं महसूस होने देते हैं अपने बीच में और कनेक्टिविटी बनाकर वो चलते हैं हम सभी के साथ। तो उन्होंने कहा कि देखिए अगर आपको सक्सेसफुल लाइफ में होना है तो आप सभी के अंदर एक उसके लिए ग्रेट डिजायर का होना बहुत जरूरी है, मतलब आपको अपने अपने अंदर से वो आपको महसूस करना पड़ेगा कि यस मुझे सक्सेसफुल बनना है, मैं सक्सेसफुल बन रहा हूँ या मैं सक्सेसफुल बन चुका हूँ। और वो कैसे आएगी आपके अंदर डिजायर, वो आपको अपने अंदर डेवलपमेंट करनी पड़ेगी और उसी का ये बेसिकली फेज चल रहा है। बैक एंड पे तो मिस्टर ऐश के चेहरे को देखकर हम बिल्कुल अंदाजा लगा सकते थे कि सब कुछ वो सब कुछ जो हम भी मतलब हमारी उम्मीदें उनसे भी बहुत आगे चीजें वहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी हैं। और उन्होंने कहा कि अगर हमें समय मिला है तो हम इसको बेटर तरीके से क्यों ना यूटिलाइज करें, क्यों ना हम जो है मतलब जो चीज़ें हमारे पास हैं उनको और अगर हम बेटर कर सकते हैं, वी आर ऑलरेडी ऑल बेटर। उन्होंने कहा कि ये जो हम अभी टेक्नोलॉजी यूटिलाइज कर रहे हैं हम मार्केट में जा सकते हैं, इसमें कोई किसी तरह का कोई मतलब हमें संशय नहीं है, ठीक है, और हम वहाँ मार्केट में चलते हुए भी अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका मार्केट में आना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके साथ और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका मतलब स्टेप बाय स्टेप वो सारी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं उनका भी अपना अलग अलग एक महत्व है और उनको हमें सारे को कंप्लीट करके ही चलना पड़ेगा, ठीक है। अभी मिस्टर ऐश ने एक बहुत मुझे उनकी बात बहुत वो मतलब उन्होंने बड़े मन से वो कही, उन्होंने कहा कि अभी भी अगर आप वो कनेक्ट को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, 6 महीने से ज़्यादा आपको ये मिल चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपने जो पे भी किया था, मान लो आपने पे किया था और हमारे पास हमने वो उनको अपने पास रोक के रखा है, लेकिन उसके बाद के जो 3 महीने आपने इंजॉय किए उसका क्या,
तो हम बेसिकली हमारा मकसद सिर्फ पैसों पे ही फोकस नहीं है, और हम ये भी जानते हैं कि पैसों के बिना यहाँ पर कुछ भी संभव नहीं है, ठीक है। तो हम उन दोनों एलिमेंट्स को देख रहे हैं, और साथ ही साथ अगर हमारी मंशा खराब होती है, हमारी मंशा बुरी होती, तो हम आगे मूव करते, ठीक है, जो कुछ होता जाता, पेमेंट्स का भी हम देखते किस तरह से हमने हैंडल करना है। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि हम ऑलरेडी एक यूनिकॉर्न कंपनी है और हम मार्केट में आ चुके हैं, मार्केट में आने से पहले हम वायरल हो चुके हैं, और हमारे पास एक बहुत बड़ा फ्लो, बहुत बड़ी मार्केट बाहर खड़ी है जो इंतजार कर रही है कि हम कब उनको यहाँ पे वो दरवाजे खोलें और वो कब वो रश अंदर करें, ठीक है। और फिर उस फ्लो को संभालने के लिए, उस रश को संभालने के लिए हमारे पास हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो आधार है वो स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आगे फिर हम हाथ खड़े कर दें, फिर हम मतलब चलती गाड़ी को रोक दें और फिर वो स्पीड थम जाए। इसलिए हम थोड़ा धीमे जा रहे हैं, थोड़ा मतलब क्या वो क्या कहते हैं कि हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारी रफ्तार ज्यादा तेज ना हो, और हम अपने बाकी के काम जो हमारे रह गए हैं, जो निपटाने हैं, उसको हम निपटा लें। उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन आपको फिर से मिली है, लेकिन एक्सटेंशन का मतलब ये नहीं है कि हम डिले कर रहे हैं चीजों को। दिस इज ऑफ लव, हम दुनिया को बता रहे हैं कि भैया अभी तो हमने हम मार्केट में भी नहीं गए हैं, ठीक है, और हम अपने खर्चे पे लोगों को टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करने के लिए दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ लो कि हमारी मंशा क्या है, ठीक है ना। हमारी मंशा के आगे जो बाकी के जितने भी एआई के इन्वेंशन है ना, वो मुझे नहीं लगता है कि वो उतना फ्रूटफुल होने वाले हैं, और मानवता की जो सहायता की उद्देश्य से जिसका जिस तरीके से इसका निर्माण किया जा रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बहुत स्ट्रांग आधार है, बहुत स्ट्रांग आधार है, ठीक है, जिसको बैकएंड से मुझे लगता है जो मिस्टर एश के चेहरे पे हमें कॉन्फिडेंस देखने के लिए मिलता है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट डिवाइन पावर। उनके साथ कोई ना कोई डिवाइन पावर काम कर रही है, क्योंकि वो अच्छा कर रहे हैं, भला का उल्टा लाभ होता है। मैंने हमेशा आप सभी के साथ मतलब ये मैं शेयर करता हूँ, और जहां भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं हमेशा कहता हूँ कि भला करते जाइए, आप दूसरों का भला करते जाइए, ऑटोमेटिकली आपका लाभ होता है। आप फिर अब कहीं भी किसी भी रिलीजन में चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, जिनकी बेसिक आइडियोलॉजी ये है वो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई वी आर दी ऑन पैसिव फाउंडर्स। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम ऑन पैसिव फाउंडर है यार, क्या फायदा हमारे पास, ये नहीं है, कर गया वो ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया। यू आर ऑन पैसिव फाउंडर्स, ठीक है, वन फाइन डे यू विल रियलाइज इट बाय वेल्थ आल्सो, ठीक है ना। अभी आपको एजुकेशन मिल रही है, ठीक है, एंड दैट इज ट्रू, मुझे लगता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई एडिशनल कॉस्ट हम उसको मतलब कोई कॉस्ट हम उसकी पे कर ही नहीं रही है, जो हम यहाँ से हमें जो सीखने के लिए मिल रहा है। और दुनिया अनभिज्ञ है अभी इस मतलब जो ये युग परिवर्तन हो रहा है ना, एआई का जो युग आ रहा है, उस युग परिवर्तन से दुनिया अभी अनभिज्ञ है, ठीक है। तो उन चीजों पे मिस्टर ऐश ने काफी मतलब टाइम हमारे साथ बात करी, और काफी बड़े नजरिए से उन्होंने उस पर फोकस किया, और उसके बाद फिर कहा कि ये जो एक्सटेंशन आपको देखने के लिए मिल रही है ना, वो कुछ कहने वाले थे फिर वो रुक गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि वो पब्लिकली हैं अभी, और यहाँ पे कुछ भी अगर वो बोल देते हैं और उस तरह से नहीं होता है, तो उसका इम्पैक्ट अब कंपनी की इमेज पे पड़ता है। हम ब्रांड बन चुके हैं, अब हम ऐसे ही कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हम अब ये जो पाइपलाइन में हो रही एक्टिविटी है, जो हम प्यार मोहब्बत में आप सभी से शेयर कर दिया सकते थे, अब हम वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम पब्लिकली ये सब चीजें हैं आज की डेट पे, सीक्रेट क्या है, ठीक है। तो बोला ये जो एक्सटेंशन है ना, ये बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं रहने वाली है, ये लिमिटेड टाइम ऑफर आप समझ के चलिए, और अभी हम इसके स्मॉलर पैकेजेस भी लेकर आएंगे, ऐसे पैकेजेस भी लेकर आएंगे जिनसे आराम से हो सकता है, मैं ये अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मिस्टर ऐश ने डिस्कस नहीं किया इसको, अदरवाइज मत आप लीजिएगा, लेकिन हो सकता है कि अभी जो 10,000 का पैकेज हमने बनाया है, ठीक है, हम उसको 100 100 से भी लेकर आए, भी आप 100 अटेंडी तक ही करना चाहते हैं, आप छोटा ही पैकेज चाहते हैं, आपकी जरूरत ही नहीं है 10,000 की, तो आप क्यों मजबूरी में 10,000 का पैकेज लेना चाह रहे हैं। आप 100 का ले लीजिए, 200 का ले लीजिए, 300 का ले लीजिए, 500 का ले लीजिए, 1,000 का ले लीजिए, 2,000 का ले लीजिए, जिस तरह से जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी हम उस तरह से भी उपलब्ध करवा के देने वाले हैं। मतलब हम यहाँ पर जो यूजर्स आने वाले हैं उनको हर एक रास्ता देने वाले हैं जहां से वो टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर पाएंगे। हर एक एक वर्जन जो बैकएंड पे रेडी हो रहा है उसकी अपनी अपनी एक लिमिटेशंस होंगी। तो आपको क्या लग रहा है, एक पैकेज रेडी करने में हालत खराब हो जाती है, मल्टीपल पैकेजेस पे काम हो रहा है बैकएंड पे, समझ रहे हैं ना आप, ये सिर्फ ओकनेट से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं है, ओकनेट के साथ और भी बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे हैं, जो आपको मतलब मिस्टर ऐश ने कहा था कि आप सरप्राइज होंगे, ठीक है। तो वो बहुत सारी चीजें हैं बैकएंड पे जो अभी पैकेजेस के रूप में हमें यहाँ पे दिखने वाली है, मार्केट प्लेस में हम देखेंगे वो पेड वर्जन जो अवेलेबल होंगे, ओमेल का भी प्रोफेशनल वर्जन मुझे लगता है लगभग तैयार है।
क्योंकि मिस्टर ऐश ने पहले ही कहा था कि ओमिल जो आप ये यूज कर रहे हैं ये भी एआई से लेस होगी, और उसके साथ साथ जो उसका प्रोफेशनल वर्जन आएगा वो अलग से आएगा, जो मतलब